हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 24 जून 2019 और ये हमारी 183वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी कहाँ बनाई जाएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जयपुर। जयपुर में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी बनाई जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी बन रही है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट 10 साल में 1 लाख से अधिक फिल्में जुटाएगा। 2 हेक्टेयर में फैली लाइब्रेरी 26 अगस्त 2020 को शुरू हो जाएगी। यहाँ ऑडिटोरियम भी होगा जिसमें फिल्म शो, सेमिनार, कार्यशालाएं भी हो सकेंगी। तो ये लाइब्रेरी जयपुर में बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजरंग पूनिया जो भारतीय पहलवान है इनका वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पहला। बजरंग पूनिया का पहला स्थान है वर्ल्ड रैंकिंग में। दोस्तों आपको बता दें बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में पहले नंबर पर हैं। बजरंग पूनिया ने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रैंकिंग में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें भारत के 15 पहलवान शामिल हुए हैं। बजरंग पूनिया के अलावा 15 और पहलवान वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक किस गेंदबाज ने ली है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है। दोस्तों आपको पता ही होगा हाल ही में भारत और अफगानिस्तान का मैच हुआ था जिसमें मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर यानी 50वें ओवर में हैट्रिक ली है। तो ये 2019 की पहली हैट्रिक लेने वाले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने 2019 की पहली हैट्रिक ली है इसलिए ये पहले स्थान पर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बुरहानपुर। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें डिंडोरी में न्यूनतम कृषि जोन उपस्थित है। बड़वानी में धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। वहीं मंदसौर की बात करें अगर तो यहाँ पर उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई है। दोस्तों अब बात आई है बुरहानपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बुरहानपुर के बारे में बता दें। 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिले से अलग करके बुरहानपुर जिला बनाया गया था। इंदौर संभाग का एक जिला है बुरहानपुर। असीरगढ़ किले को दक्कन की चाबी कहा जाता है और ये बुरहानपुर में ही स्थित है। दोस्तों शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में ही हुई थी। दाऊदी बोहरा समाज के लिए बुरहानपुर धार्मिक महत्व का स्थल है क्योंकि यहाँ पर उनकी पवित्र और विशाल दरगाह है, दरगाह ए हकीम उपस्थित है। दोस्तों आपको बता दें राजा की छत्री इच्छा देवी का मंदिर, खूनी भंडारा, शाही इमाम, सिख गुरुद्वारा जो गुरु नानक से संबंधित है और नेपानगर देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, मोती महल, ये सभी बुरहानपुर जिले में ही स्थित हैं। तो दोस्तों इतना आपको बुरहानपुर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? तो इसका सही ऑप्शन है पंकज आडवाणी। हाल ही में पंकज आडवाणी ने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों आपको बता दें पंकज आडवाणी इससे पहले IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं, जबकि बिलियर्ड्स में ये वर्ल्ड और एशियन टाइटल
पहले ही अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों हाल ही में इन्होंने थाईलैंड के थानावत को फाइनल में हराया है। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें दोस्तों, अब ये 15 रेड यानी 15 लॉन्ग फॉर्मेट में भी एशियन चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार गरीब छात्रों को 100% स्कॉलरशिप देगी? इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में हाल ही में ऐसी घोषणा की गई है कि जो भी गरीब छात्र हैं उनको 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार के छात्रों को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी ये जितनी फीस जमा करेंगे उन्हें इतनी ही स्कॉलरशिप वापस दी जाएगी। वहीं दोस्तों जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच है उन्हें फीस की 50% रकम स्कॉलरशिप के रूप में वापस की जाएगी। ऐसी व्यवस्था हाल ही में दिल्ली में की गई है। दोस्तों अब बात आई है दिल्ली की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिल्ली के बारे में बता दें। मैप में ये जगह दिल्ली को दर्शाती है। दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा मेला निम्न में से कौन सा है जो हाल ही में शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है माँ कामाख्या देवी मेला। हाल ही में माँ कामाख्या देवी का मेला पूर्वोत्तर के राज्य असम में शुरू हुआ है। दोस्तों आपको बता दें असम में गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला हाल ही में शुरू हुआ है। ये पूर्वोत्तर के राज्यों का सबसे बड़ा मेला है जो 4 दिन तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें इसके पट 25 जून को खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी सब्जी बीज उत्पादन और फल उत्पादन नर्सरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राहतगढ़। राहतगढ़ में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी बीज और फल उत्पादन नर्सरी स्थित है। दोस्तों हाल ही में यहाँ पर सागर की कलेक्टर प्रीति मैथिल ने सजल अभियान के तहत कुछ पौधों का रोपण किया है जिसके कारण यह स्थान प्रचलित हुआ है। दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी और बीज उत्पादन नर्सरी राहतगढ़ जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है यहां पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भोपाल में ATF पर कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 5-10%। हाल ही में भोपाल में 5-10% ATF पर कमी की गई है। दोस्तों आपको ATF का फुल फॉर्म बता दें एविएशन टरबाइन फ्यूल। भोपाल में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की कवायद के मद्देनजर राज्य सरकार ने ATF पर लगने वाले टैक्स घटाने की मंजूरी प्रदान की है। यह 5-10% टैक्स कम किया जाएगा। दोस्तों अगर वहीं बात करें इंदौर की, तो इस मामले में राज्य सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के सिर्फ भोपाल में ATF पर 5-10% की कमी की गई है। और ATF का आपको फुल फॉर्म याद ही है एविएशन टरबाइन फ्यूल। किस राज्य में सरकार पेयजल को लेकर कानून बनाएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सरकार पेयजल को लेकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश PHE मंत्री सुखदेव पांसे ने इसकी जानकारी दी है। सरकार पेयजल को लेकर कानून बनाएगी। दोस्तों हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें गाइडलाइंस के अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। एक बार फिर आपको बता दें गाइडलाइंस के अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तो ये कानून हाल ही में सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में। तो आपको इतना जरूर याद रखना है ये 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस
राज्य में धार्मिक अफवाह फैलाने वालों को डॉजियर बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में धार्मिक अफवाह फैलाने वालों को डॉजियर बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पहली बार धार्मिक अफवाह फैलाने वालों और भू माफियों का डॉजियर तैयार किया जा रहा है। संगठित अपराधियों की तरह उन लोगों को भी अलग रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके बाद सभी के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की जाएगी। इससे अफवाह व जमीन पर कब्जों में अंकुश लगेगा। दोस्तों ऐसा हाल ही में आदेश दिए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने। तो ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, धार्मिक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ डॉजियर बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार को लगातार कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 5 बार। मध्य प्रदेश को 5 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश से जुड़े आपको बता दें, तो मध्य प्रदेश बीज और फर्म विकास निगम की स्थापना 1980 में भोपाल में की गई थी। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, मध्य प्रदेश में किसानों के हित संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तो ये मध्य प्रदेश किसान परिषद की स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। और आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, कृषि कर्मण अवार्ड कुल 5 बार लगातार मध्य प्रदेश को दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? जिसका सही ऑप्शन था अद्वैत पागे। हाल ही में अद्वैत पागे ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किस निगम की स्थापना इंदौर में की गई है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपकी का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर हैं। और दोस्तों पर्यावरण को देखते हुए आप कम से कम हफ्ते में 2 पेड़ अवश्य लगाएं, उनकी देखरेख जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।